गाइस तो स्वागत है आपका है मोबाइल में। तो गाइस अभी 7:30 बज चुके हैं और सुबह पहले नहा धो के रेडी हो चुके हैं, आज जा रहे हैं हम शाम बाबा। तो चलो चलते हैं, हम चलेंगे जी। तो इसको पहले हम स्टार्ट करेंगे धक्का देके क्योंकि इसकी बैटरी डाउन हो चुकी है। और ये देखो सोहन कैसे मुस्कुरा रहे हैं, तो बस उत्तम आ जाए फिर धक्का देते हैं, स्टार्ट करते हैं और चलते हैं राज भैया के शॉप पे चलते हैं, वहाँ से उठाने तीन बंदे। तो गाइस हम जा रहे हैं अभी जीप में और हम बैठे हैं, मैं ड्राइवर साहब सोहन जी और उत्तम भिड़े दिमाग के कीड़े। तो चलो चलते हैं, हम जा रहे हैं राज भैया की शॉप पे, राज भैया, गोलू भैया और बाबू भैया बैठेगा। तो चलो चलते हैं, बाबू भाई। फाइनली पहुंच चुके हैं, इधर आ गए तीनों। तो झोला लेके कहां जा रहा है? झोला लेके लिया है अपने, नाश्ता पानी खाते चले गए रास्ते में। अच्छा, माल खाने के लिए लेकर चल रहेगा? तो वैसे चलो चलते हैं, में छोड़ दे बैटरी भी सब। वेट ना, टाइम पास मत करो। अभी हम आ चुके हैं पेट्रोल पंप, तो चलो डीजल भरवाते हैं गड्डी में और चलते हैं। तो गाइस डीजल तो बढ़ चुका है 1500 रुपए का, तो चलो अब रवाना होते हैं दोबारा। पैसे किए मैंने, मेरे गरीब के पैसे लग रहे हैं। अरे कोई चीज दिखा दो अपनी गाड़ी, देखो कितनी फुल स्पीड में चल रही है। ये देखो गाइस 0 की स्पीड में गाड़ी चल रही है अपनी, देख लो आप पुलिस। हम पहुंच तो गए पर क्या है, यहाँ पर जाने नहीं दे रहे, देखो बैरिकेड्स लगा रखे हैं पुलिस वाले और यहाँ पर जबरदस्ती पार्किंग लगवा रहे हैं। वैसे कोई आगे जाना हो तो आगे भी नहीं जा सकता। चलो देखते बात करते। तो गाइस अभी 10 बज चुके हैं, हम आ तो गए पार्किंग में लगा दी गाड़ी, लेकिन एक ही क्या है, हमने वो पास वाले मंदिर के पास वाली पार्किंग में लगाई है गाड़ी पहले, मतलब वहीं पर खड़ी करवा रहे थे, दरवाजे से भी पहले खड़ी करवा रहे थे गाड़ी। तो हमने तो वहाँ पर खड़ी करी नहीं, कैसे न जैसे करके आगे से रास्ते में से घूम के आए, तो यहाँ पर पार्किंग लगाई है, यहाँ पर 50 रुपये लिए हमारे और बाकी हर पार्किंग में 100-100 रुपये। और वहाँ पर तो मतलब जो पहले वाली पार्किंग है ना, उसमें क्या पता कितने रुपये ले रहे हैं। अब ऐसे लूट मचाने का काम कर रहे हैं इधर, उधर लड़ाई भी हो रही है, लूट मचा रही है उधर। हाँ, 100-150 रुपये मांग रहे हैं। तो हमने कैसे करके मतलब आगे से पार्किंग में से घुमा के तो 50 रुपये में खड़ी करी गाड़ी। कमीशन रहता है इनका शायद पार्किंग वालों का, जिसलिए अब गाड़ी नहीं आने देते आगे। गाइस पहुंच चुके हैं शाम नगरी और ये देखो भीड़ खतरनाक है, तो मतलब पीछे से घूम के आना पड़ेगा। आज शनिवार रह गया ना, शनिवार और संडे को ज़्यादा भीड़ रहती है। तो चलो चलते हैं, मतलब पीछे से घुमाएंगे, शायद सामने से दर्शन नहीं हो पाएंगे अब। चलो चलते हैं, कैसे क्या सिस्टम है वहाँ पर जाके पता चलेगा। और चल ही रहे अपने बंदे, आज तो दर्शन होने चाहिए, पिछली बार आए थे दर्शन ही नहीं हो गए, आज दर्शन हो जाए, बढ़िया दर्शन हो जाए और आपको भी दर्शन कराऊंगा मैं हमारे बंदे। तो चलो चलते हैं, मतलब 3 महीने से आया हूँ, बीच में आया था लेकिन दर्शन ही नहीं हुए थे, पट बंद थे। हाथ पकड़ भी मेरा बच्चा ही है, दूध पीते ना यार। चलो प्रसाद तो ले लिया हम, तो गाइस फाइनली लग चुके हैं अपन लाइन में और चलो चलते हैं। ये देखो कितने सारे झंडे, जल्दी तो चल रहा हूँ। यार जल्दी जल्दी आओ यार, कहाँ रुक रहे हैं हम, देखो अभी चले जा रहे हैं। तो गाइस हमने हम खाली वाली लाइन में लगे, बाकी तो भरी हुई थी, तो खाली वाली में देखो फटाफट पहुंच जाएंगे अपन। और बंदे आ रहे पीछे अपने उत्तम से, जय श्री श्याम उत्तम, जय श्री श्याम प्यारे की जय। ये हमारे बंदे हैं जो बहुत धीरे चलते हैं, ये देखो ये पीछे रह गए वो आ रहे, कितनी देर आप थोड़ी देर खड़े होते थे, हम आ जाए, ये आ चुके हैं पीछे आड़सी लोग, ढीले ढाले लोग आगे के सारे। तो चलो चलते हैं, नाड़े भैया तू पीछे किस रह गए, ये आगे तो तेरी गलती है बाप, धीरे धीरे आ रहे टाइम ही तो आगे।
दर्शन जा रहे हैं अपने, तो ये दर्शन कर लो लाइव दर्शन, ऐसा सिर दिखा रहा है। तो चलो देखते हैं अंदर, चलो ये आ चुके अपने बंदे, पहुँच चुके हैं, लेकिन कोशिश करूँगा आपको भी दर्शन करा सकूँ मैं। चलो देखते हैं दर्शन होते हैं, हो तो जाएंगे लेकिन वीडियो बनाने देंगे। अरे भाई साहब थोड़ा सा, थोड़ा सा, अरे थोड़ा सा यार, ना को लोग देखे से आए। दर्शन कर लो, ले ले यार, तू ले, तू एक कर यार, तू इस बालाजी के दर्शन करो। जय हो बालाजी महाराज की, सारा ले ले, ये कर ले, पूछे दोनों है एक तो हाथ में, आप दर्शन तो बढ़िया हुए हैं एक नंबर, और आपको भी दर्शन करा दिए मैंने, कमेंट में था ना जय श्री शाम लिखना। इस दर्शन करके तो आ चुके हैं हम, चप्पल पहनने आए तो चप्पल पहन ली, तो चलो चलते हैं। और गोलू भैया तो क्या है लाइन में लगे रह गए, अभी तो दर्शन ही नहीं हो रहे, बहुत टाइम लगा रहे, तो चलो चलते हैं, इंतजार करते हैं उनका। तो भाई हमारे दर्शन एक नंबर हुए हैं, और आपको भी दर्शन कराए, आपने भी कल लिए एक नंबर दर्शन, बिल्कुल शाम का बाबा, वीडियो वीडियो जूम करके दर्शन कराया था मैं आपको। और क्या है, मेरा फोन भी कोसने लग गए थे वहाँ पर खड़े थे ना, तो मैंने फोन तो दिया नहीं, फिर भी मैं वीडियो बनाया हूँ। देखो आपके लिए, आपके भी दर्शन होने चाहिए, मेरे तो आपके भी तो होने चाहिए, आप दर्शन कर ही लिए फोन कोसने लग गए थे मतलब मेरे। तो भाई सभी पताजी खा रहे हैं, भूख लगने लग गई थी, और ये देखो ये सेठ जी आगे बैठेंगे, हर जगह ये गाड़ी में भी आगे बैठते हैं और इधर भी बैठ के खा रहे। सभी 11 बज चुके हैं और दर्शन करके आ गए हम गाड़ी के पास पार्किंग में, तो चलो चलते हैं बैठते और चलते हैं घर, और दुकान तो खैर खोल ही लिया होगा शायद। तो गाइस जब तो आने नहीं दिए थे यहाँ से, पर अब हम यहाँ से जा रहे हैं, तो देख लो आप शाम दरबार, शाम दरबार, तो चलो चलते जय श्री शाम। तो गाइस वहाँ क्या है, शाम जी का दरवाजा है ना, जो जहाँ से ना तो गाड़ी आ सकती ना जा सकती, वहाँ पर बैरिकेड से पूरा करते हैं दरवाजे को, और अगर आपको फोटो वोटो खिंचानी है तो उतर के खिंचवा सकते हो आप। तो अभी हम रवाना हो गए घर के लिए। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। तो गाइस देखो ये वाली पार्किंग है, वो ₹100 यहाँ पर, देखो ये रहा, ये बंद करके और इस पार्किंग में दबा के गाड़ियाँ जा रही है। पहले हम गए थे ना, पहले तो कोई नहीं आई थी, लेकिन अब देखो पूरी पार्किंग फुल हो रखी है, अब दबा के छाप रहे हैं। पता नहीं कितने रुपए ले रहे होंगे, 100-150 तो ले रहे होंगे, 150 रुपए ले रहे होंगे, क्योंकि 100 रुपए तो वहीं पर ले रहे थे। 11:05 हो गई तो हम यहाँ से रवाना हो चुके हैं, पहुँच जाएंगे, पर 1.5 घंटे से ऊपर लगेगा, क्योंकि खुली जीप है ना, और इसमें गर्मी भी लग रही है खतरनाक, धूप आ रही है। तो गाइस अभी हम रुके 32 इंच पराठा खाने के लिए, ये देख लो आप, तो चलो चलते हैं अंदर और खाते हैं। और अभी 11:30 बज चुके, तो गाइस अभी हम अंदर आ चुके हैं, देख लो ऑर्डर तो दे दिया हम पराठे का, लेकिन आधा घंटा लगेगा बनने में, जब तक हमने स्प्राइट मंगाई है तो स्प्राइट को, और इसके अगड़ाए ले रहा है, चिल्ला रहा है अंदर, बोलो यार, तो चलो पीते। तो भाई सब उधर से इधर आ गए, और ये देखो कैसे बैठे, जैसे घर पे बैठे ही पड़ गए, नींद आ रही है, सुबह जल्दी उठ गए थे, तो चलो मैं भी बैठ जाता हूँ। गाइस फाइनली हमारा पराठा आ चुका है, और आपको दिखाता हूँ कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है, देखो बहुत बड़ा है। कैसे खाएंगे अपन, वो खा तो लोगे ना, चलो खाते हैं, मैं पहली बार खाऊंगा 32 इंच का पराठा, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, ये देखो कितना बड़ा है। तो गाइस पराठे की एडिटिंग की जा रही है, इस पर मक्खन लगाया जा रहा है, मक्खन लगा रहे हैं, मक्खन तो इसको तैयार करते हैं और फिर खाते हैं। बात कर रहे हैं यार, कैसे खाएंगे तबड़े,
फाइनली हमने 32 का पराठा तो खा लिया, पर क्या है जैसे उसमें टुकड़े टुकड़े थे ना, तो एक टुकड़ा पूरा साबुत बच गया और एक थोड़ा आधा बच गया। तो एक है ना साबुत, तो उसको पैक करा लेते हैं, वेस्ट नहीं जाने देंगे, फेंकने में नहीं जाने देंगे, तो उसको पैक करवा रहे हैं अभी हम। और भाई भैया खा ही रहे हैं, भैया और खा रहे हैं, उनका थोड़ा थोड़ा सा बचा है, तो फिनिश करके पैक करवा लेते हैं फिर चलते हैं। बहुत खतरनाक, मतलब पेट फुल भर गया, देख लो हम कितने बंदे थे, 6 जने थे, अभी पूरा नहीं खा पाया उसको, मतलब एक बंदा तो खा ही नहीं सकता उसको, नहीं खा सकता भाई साहब। भाई सही बात है, नहीं खा सकता भाई, मैं कह दिया ना नहीं खा सकता। और इसकी तबीयत ख़राब हो रही, जुकाम हो रही, 3 दिन से इसको खे रहा हूँ दवाई लिया, तो आज दिला के लाएंगे इसको दवाई। फाइनली सब आ चुके हैं और अभी ये लस्सी का इंतजार कर रहे हैं, लस्सी पियेंगे। और ये क्या खे रहा है? खाया 6 जनों ने मिल के। तू तो खे रहा है ना, एक और खा सकता हूँ। अब बहुत मजाक कर रहा था, बोरा आपने पैक करा लिया पनीर। तो वैसे इस रेस्टोरेंट में आए हम 32 इंच का पराठा खाने, और वैसे खा लिया हमने, बहुत टेस्टी था, तो चलो चलते हैं। और अभी गाइस अभी क्या है, 12:30 बज चुके हैं, अब दोबारा रवाना हो रहे हैं, हमने पराठा वराठा खा के दोबारा रवाना हो गए, तो चलो चलते हैं, गड्डी पे बैठते हैं, गड्डी खड़ी थी अपनी खाने में। बनाया अपने 1240 रुपये का, एक बजकर 20 मिनट हो चुकी है और हम आधे घंटे में घर पहुंच जाएंगे। और इतनी भयंकर गर्मी लग रही है हमको, ये देखो धूप खतरनाक आ रही है, और तब गए बहुत बुरी तरह, मतलब गाड़ी चलती जब तो हवा लगती है, लेकिन जैसे गाड़ी रुक जाती है ना, इतनी भयंकर धूप लगती है, तब गए बहुत गर्म हो गए, शर्ट भी गर्म हो गई और ये पूरा मुँह गर्म हो चुका है, खतरनाक खुजली और चलने लग गए सर्दियों में, खुजली चलती गर्मी बहुत ही। फाइनली पहुंच चुके घर, अभी 1:45 हो गई और हालत खराब हो गई, खतरनाक जाम हो गई टांगे। 2:45 कह रहा हूँ, हालत खराब हो गई बहुत खतरनाक। और ये देखो टाइट हो गए, बॉल बिल्कुल मोटी मोटी जम गई, मजे आ गए दर्शन, एक नंबर हुए। तो अभी 4 बज चुके हैं और क्या है, वहाँ से खाटू श्याम जी की साथ सो गया था हम, तो 1 घंटा सो लिया। अब चलो अब चलता हूँ दुकान, पहले गाय को चारा डालते हैं और फिर दुकान चलते हैं, थक गया था खतरनाक, जिसलिए अभी भी नींद तो आ रही थी, लेकिन कैसे जैसे करके उठ गया, चारा तो डाल के आ गया। पर क्या है, पहले जा रहे हैं हम दवाई लेने, सोहन की तबीयत ख़राब हो रही, जुकाम उकाम लग रही, तो पहले दवाई लेने चल चलते हैं। और उत्तम भी जस्ट उठ के आया, और सोहन भी सो गया था क्योंकि थक गए थे बहुत भयंकर, तो सब 4-5 सो गए थे, मतलब वो भी गए थे ना, वो भी सो गए होंगे क्योंकि धूप लग रही थी ना खतरनाक। और ये जस्ट ये भी उठ के आए, देखो और सोन भी सो गया था, तो चलो चलते अब इसको ठीक से अब लग नहीं चाहिए। अभी 4:48 हो गई और हम दुकान पहुंच के दवाई लेकर तो आ गए, सोन को दवाई दिलाया, सोन दवाई ले रहा है, तो चलो बैठते हैं अंदर। अभी 6:30 बज चुके हैं और मैं आ गया हूँ घर पे, तो मैं और सोहन जा रहे हैं अभी सिटी जा रहे हैं, कुछ सामान लेने और देख लूँगा, थोड़े बहुत पटाखे भी ले आऊँगा, जो नहीं है ना वो वाले लेकर आएंगे छोटे वाले। तो मैं और सोहन जा रहे हैं और उत्तम और साहिब बैठे दुकान पर। Swipe left, someone says something stupid. Swipe right, now I'm watching what you did. I went down, now I'm at a disadvantage. But I think that it's worth it. I put my headphones on. अभी 10 बज चुके हैं, मतलब हम गए थे 7 बजे शायद 7 या 7:30 बजे गए थे, तो जब से मतलब फ्री होके अब आए 10 बज गए, क्योंकि हम टाइम इसलिए लग गया बताऊँ, हम गए थे ना जब बहुत भीड़ थी मार्केट में, अभी क्या दिवाली का सीजन है ना, तो शॉपिंग हो रही है, तो बहुत भीड़ थी, निकलने में बहुत टाइम लग गया। और हम पहुँचे वहाँ पर 7 बजे गए थे ना, 7 बजे निकले थे, तो 8 बजे पहुँचे थे वहाँ पर पटाखे की दुकान पर, तो वो दुकान है ना मतलब बढ़ाने लग गए थे, वो है ना खुलती है 11:00 से 8:00 तक, तो पटाखे तो नहीं ला पाए फिर, लेकिन दोबारा आ रहे थे ना, तो हम सोच लेते दिवाली के कपड़े खरीद लेते, तो ये कपड़े खरीद के लाए, तो ये कपड़े खरीदने में हमको बहुत टाइम लग गया था, मतलब 1 घंटा तो लग ही गया, दोबारा आया ना वहाँ पर आगे गए थे। और है ना वीडियो है ना आपको, जैसे ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं, क्योंकि है ना अब वीडियो ज़्यादा बनाऊंगा ना, जैसे मैं दो वीडियो ऐड कर रहा हूँ एक दिन में, दो वीडियो ऐड कर रहा हूँ कि यार जल्दी टाइम समय निकल जाए, नहीं तो जो पुराने जैसे अभी दुकान का वीडियो है, अगर मैं ऐसे ऐसे करूँगा ना एक दिन के एक ब्लॉग डालूंगा, तो दुकान का वीडियो अपना आएगा बाद में, जब दिवाली निकल जाएगी उसके बाद आएगा, तो इसलिए मैं दो वीडियो ऐड कर रहा हूँ दो दिन के, इसलिए ऐड कर रहा हूँ कि है ना फिर अपनी दुकान चल रही है ना फटाखों की, तो उसी टाइम पे चलती रहे, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा अपलोड होने में वीडियो को, मतलब बाद में आएगी वो वीडियो आपको बाद में मिलेगी, जब तक दिवाली चल जाएगी, जिसलिए दो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो अभी हम आ तो गए, तो मैं देखता हूँ अभी खाना खा के, अभी सोहन है ना घर पे इसलिए आए, सोहन का एक केक का ऑर्डर है, तो है ना फल फ्रूट लगाना है उस पर,
तो वो लगा के दोबारा दुकान पे जाएंगे। तो भाई देखो ये वाला केक है, तो अभी हम खाना तो है ना बाद में खा लूंगा आगे, तो अभी चलता हूँ दुकान। 10:15 हो गए और हम केक देकर आ गए, हम दोनों देकर आ गए क्योंकि उत्तम और कासू और साहब बैठे इधर दुकान पहुँच चुके हैं। और अब बढ़ाएंगे इसको 11, तो थोड़ी देर बैठते हैं और वीडियो को भी एंड करता हूँ। आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।